नमस्कार, मैं आंचल, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अगर हम बात करें मेरठ पुलिस की, तो लगातार वारदातों को रोकने में नाकाम नजर आ रही है मेरठ पुलिस, या फिर यह कह सकते हैं कि पुलिस के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हत्यारे, चोर, लुटेरे और बदमाश। पूरा मामला पहली हत्या का है, जहां दिन निकलते ही पहली रंजिश के चलते 26 वर्षीय अंकित, जो कि गांव लुकाधाई थाना हस्तिनापुर के रहने वाले, पर अल्टो कार सवार तीन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद अंकित की मौत हो गई। जिसके बाद दूसरा मामला थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के ग्रीन विलेज का सामने आया, जहां विक्की शर्मा नाम के युवक की उसी के फ्लैट में डेड बॉडी मिली। मृतक के भाई का कहना है कि जब वह फ्लैट पर आया और दरवाजा खोलने लगा, तभी अंदर जाते ही देखा कि उसके भाई विक्की शर्मा की बॉडी लघु लुहान पड़ी हुई थी, जिसकी सूचना विक्की शर्मा के भाई ने पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने छानबीन की। इसके बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया। आशंका जताई जा रही है कि विक्की शर्मा को गोली मारी गई है। बहरहाल पुलिस जांच में जुटी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक ही दिन में दो हत्याएं, जिसमें अंकित के परिजनों का कहना है कि पुलिस की बड़ी लापरवाही से अंकित हमारे बीच में नहीं रहा, और अगर पुलिस कार्रवाई कर देती तो शायद अंकित हमारे बीच होता। अगर पुलिस कार्रवाई कर देती थी। सर, एक युवक की डेड बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला? थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र अंतर्गत सुपरटेक ग्रीन सोसाइटी के ई ब्लॉक के 502 नंबर फ्लैट में निवास करने वाले विक्की शर्मा का शव आज संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में मौत मिला है, जिनके सिर पर चोट के निशान हैं। सर, अभी कोई वजह घटना की सूचना शाम को 7 बजे के लगभग इनके परिवारी जन के द्वारा थाने पर दी गई है, जिस पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल आकर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए। सर, ये कुछ बेटी का भी बात बता रहे हैं आप? ये बाकी चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय। कारण सर कोई पता चला है? नहीं, अभी तक इनके परिवार के लोगों ने कोई ऐसा कारण नहीं। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।